अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को हेयर सिरप के बारे में बताती हूँ कि सिरप एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं चाहिए। सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि हेयर सिरप होता क्या है। मेरे पास यहाँ पर लेमन का सिरप है। लेमन का सिरप बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सिरप काम क्या करता है। सिरप एक्चुअली में दो तरीके के होते हैं, एक फेस सिरप, एक हेयर सिरप। खैर, फेस सिरप भी इम्पॉर्टेंट होता है रात को इस्तेमाल करने के लिए, उसके बारे में मैं रिव्यू ज़रूर करूँगी। और हेयर सिरप क्या होता है, वो बालों के लिए होता है, और बालों के लिए सिरप बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा। जैसे जिस तरीके से फेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से आपके बालों के लिए भी सिरप इम्पॉर्टेंट है। आपके बालों को, जो दिन के रूखे सूखे बाल हैं, उनके लिए तो सिरप बहुत ही ज़रूरी है। आपको सिरप इस्तेमाल करना चाहिए। रूखे सूखे बालों के लिए सिरप बहुत ज़रूरी है, उन्हें सिरप डेली रूटीन के हिसाब से यूज़ करना चाहिए, और साथ ही कंडीशनर वो यूज़ करें। तो सिरप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब मैं लिवोन सिरप के बारे में बात करती हूँ। लिवोन सिरप किस तरीके का है, ये बहुत ही अच्छी, इसके बारे में बहुत से यूट्यूबर के रिव्यू देखे, ये वाकई में एक्चुअली में बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही फ़ायदा देते हैं, बहुत ही बेनिफिट है, ये बेनिफिशियल है। और ये मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, मेरा दूसरा पैकेट है, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ मैं रिव्यू शेयर करूँ। लेकिन मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, ताकि मैं आप लोगों को आगे वाली वीडियो के बारे में बता सकूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैं ईयर के बारे में बात करी, तो ठीक है, ईयर से मुंतलिक मुझे याद आया कि मैंने एक वीडियो ईयर से मुंतलिक अपने चैनल पे ले पोस्ट की थी, जिसके अंदर ईयर स्ट्रेटनर की वीडियो थी। तो गाइस, मैंने उसे इस्तेमाल किया था, तो मेरे 3 मंथ हो गए हैं अभी तक, मेरे ईयर स्ट्रेटनर है अभी तक, मेरे ईयर स्ट्रेट है। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो जाके देख लीजिए। जिनके ज़्यादा घुंघराले बाल हैं, ये उनके लिए वो शाइनिंग देता है, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं देता। और ऐसे नहीं कि मतलब बिल्कुल अलग अलग से हो गए जैसे हेयर बर्निंग के बाल, तो ऐसा कुछ नहीं, बस स्ट्रेटनिंग के बारे में वीडियो है। और वो अगर ज़्यादा घुंघराले बाल है तो आप मंथ में एक दफ़ा इस्तेमाल कीजिए, अगर ठीक ठाक है तो मतलब 2 महीने में एक दफ़ा आप यूज़ करें। लेकिन वो वीडियो मेरी आप लिंक में जाके देख लीजिएगा, मैं लिंक में दे दूँगी या वीडियो के एंड में दे दूँगी, तो आप जाके देख लेने की कोशिश होगी कि मैं दे दूँ, वरना आप मेरे चैनल में जाके भी वीडियो दे सकते हैं। लेकिन हेयर सिरप की मैं बात करती हूँ, ये सिर्फ अब मैं उसके बारे में खोल के दिखाती हूँ कि ये अंदर से एक्चुअली में है कैसा। लेकिन इतना तो आप लोगों को मेरी बातों से अंदाज़ा हो गया होगा कि हेयर सिरप कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसकी प्राइस भी मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कितने का लिया था, मतलब 500 से तो कम ही है, 500 से कम ही है, लेकिन याद नहीं आ रहा ये कितने का था, शायद 300 या 400 कुछ ऐसे था। लेकिन आप इसकी पैकेजिंग देख लीजिए, तो कुछ ऐसा है ये अंदर से, ये लेमन सिरप। तो पैकेजिंग तो इसकी बहुत ही प्यारी है, बोतल प्लास्टिक की, लेकिन वो टाइट बोतल, मतलब अच्छी है। लेकिन ये है विटामिन ई, यहाँ लिखा हुआ भी है, ये मेड इन इंडिया है, तो ये इंडिया का प्रोडक्ट है। देखिए, पानी की तरह है ये, आपके हेयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रही बात, यहाँ पर सब कुछ डिटेल से लिखा हुआ है, किस तरह यूज़ करना चाहिए, किस तरह से यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप अगर गीले बालों में यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल फ्रीज, ये फ्रीजी बालों के लिए है, एक्चुअली में ये है भी फ्रीजी बालों के लिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़, आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।